रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हनुमान चालीसा के नाम पर हमारे देश में क्या क्या खेल चल रहा है। कभी कभी ये सब तमाशा सुनकर पेट पकड़कर हंसने को दिल करता है, लेकिन कमबख्त पत्रकारिता ने जकड़ रखा है। मूर्खों और लंपटों की सेना ने खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार घोषित कर रखा है। कहते हैं कि जब जब अजान सुनाई देगी तब तब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन गोबर भक्ति में चूर इन लोगों को पता नहीं है कि हनुमान चालीसा और अजान का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन इस बार अंधभक्तों और गंद भक्तों की सियासी जमात ने ऐसे शख्स को आंखें दिखाने की हिमाकत कर दी है जो पहले इनके ही स्कूल का हेडमास्टर था। लिहाजा हेडमास्टर ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी छड़ी में सरसों का तेल लगाया और भक्तों की चमड़ी लाल कर दी, जिसके बाद अब अंधभक्त बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी घोषित करने के लिए उनके घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की रणनीति बनाई गई, लेकिन हनुमान चालीसा का दाव ही उल्टा पड़ गया। दरअसल महाराष्ट्र में राणा दंपति का नाम बहुत मशहूर हो चुका है। रवि राणा और नवनीत राणा की जोड़ी माशाल्लाह क्या खूब है। जहां एक तरफ नवनीत राणा फिल्मी अदाकारा और सांसद हैं, वहीं उनके जलवों का अखा हिंदुस्तान दीवाना है। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों दिशाओं में होते हैं, लेकिन उनकी आंखों के जलवे ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया। जिस नवनीत की पतली कमर के एक झटके से लाखों दीवाने ढेर हो जाया करते थे, आजकल वही नवनीत अपनी जिंदगी की सबसे जिल्लत झेल रही है। नवनीत और उनके पति बदनामे जमाना हो चुके हैं। अब दोनों की रात जेल में कट रही है, जमानत भी नहीं मिल रही है। और तो और नवनीत राणा के झूठ की पोल भी खुल रही है। खुद को कट्टर और सनातनी दिखाने के चक्कर में दोनों ही मियां बीवी ने अपनी भद्द पिटवा ली है। दोनों ही खुद को हनुमान भक्त कहते हैं, खुद को कट्टर हिंदू कह रहे हैं। जिनको अजान और मुसलमान से एलर्जी है, उनकी एक तस्वीर से पता चला कि दोनों से पति पत्नी अजमेर शरीफ के मुरीद हैं। दोनों वहां हरी चादर चढ़ाते हैं और पीठ पीछे खुद को बहुत बड़ा कट्टर बताते हैं। यानी भक्तों ने जिस नवनीत को दीदी और उसके पति को जीजा माना था, वो उनका मियां भाई निकला। आखिर क्यों भक्तों की दीदी ने भक्तों को लगाया चूना? आखिर क्यों हनुमान चालीसा के चक्कर में पहुंचे हवालात? आखिर क्यों बीजेपी का प्लान उद्धव ने कर दिया फेल? आखिर क्यों ख्वाजा गरीब नवाज की चादर ने खोल दी मियां बीवी की पोल? आखिर क्यों राणा के चक्कर में पिट गए अंधभक्त? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त रवि राणा और नवनीत राणा दोनों ही केस मुकदमों में उलझ चुके हैं। दोनों की रात जेल की काल कोठरी में गुजर रही है, जहां ना तो उनके चेहरे पर कोई मेकअप पोतने वाला है और ना ही कोई उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है। दरअसल दोनों ही मियां बीवी का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा सुनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दे दी, जिसके बाद खूब हंगामा और सियासी बयानबाजी हुई। लेकिन यहीं पर भाजपा की रणनीति फेल हो गई। पुलिस ने सांसद नवनीत और विधायक रवि राणा पर धारा 153 ए धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत मामला दर्ज किया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने राणा दंपत्ति पर धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया और राणा दंपत्ति पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नवनीत राणा और उनके पति को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनके बयान की वजह से माहौल खराब होने की स्थिति पैदा होती है, उसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने दंपत्ति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और रवि राणा को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अब उनकी जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, तब तक दोनों को जेल में ही रहना होगा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनके पति और विधायक रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, इसके बाद उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि इस जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में है। इस पर राणा दंपति के वकील ने कहा कि वो वहां से याचिका वापस लेंगे। आगे कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 29 अप्रैल तक का वक्त मांगा है।
अभी हाल ही में नवनीत राणा ने खुद को झूठों की महारानी घोषित किया है। दरअसल सोमवार को नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। नवनीत राणा ने चिट्ठी में लिखा कि मुझे 23 तारीख को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 23 अप्रैल को मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ी। रात को मैंने कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रात भर मुझे पानी नहीं दिया गया। नवनीत ने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति की हूं, इसलिए वो मुझे उसी ग्लास में पानी नहीं दे सकते जिसमें वे लोग पीते हैं। मतलब मुझे मेरी जाति की वजह से पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। मैं ये जोर देकर कहना चाहती हूं कि मेरी जाति की वजह से मुझे बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित रखा गया। नवनीत आगे कहती हैं कि मुझे रात को बाथरूम जाना था, लेकिन पुलिस स्टाफ ने मेरी इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे गाली दी गई और कहा गया कि नीची जात वालों को वे अपना बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। लेकिन नवनीत राणा के आरोप बकैती से कम नहीं थे। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र पुलिस पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उन पर अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पलटवार करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया, जिसको खार पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है। इसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पति और विधायक रवि राणा थाने में बैठकर चाय और कॉफी की चुस्की ले रहे हैं और उसके सामने पानी की बोतल भी रखी हुई है। यानी भक्तों की दीदी जुटलरों की अम्मा साबित हो गई। और इतना बड़ा झूठ एक सच्चा सनातनी और कट्टर हिंदू कैसे बोल सकता है। पत्रकार अजीत अंजुम ट्विटर पर लिखते हैं कि गिरफ्तारी के बाद चाय पीते नजर आए राणा दंपत्ति, पहले दुर्व्यवहार और पानी नहीं देने का आरोप लगाया था। नई पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि ये वही नवनीत राणा है जिन्हें कल आरोप लगाया था कि उसे पानी तक नहीं दिया गया। अब खुद देखिए, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में बैठकर ये चाय भी गटक रही हैं और पानी की बोतल भी इनके सामने रखी हुई है। नई नवेली धर्म रक्षक झूठ का सहारा क्यों ले रही हो? झूठ बोलना पाप है। वहीं इन तमाम घटनाओं से पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए कहा था कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ने हमें सिखाया है कि दादागिरी को कैसे तोड़ा जाता है। मैं जल्द से जल्द एक जनसभा आयोजित करना चाहता हूं। मैं इन फर्जी हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूं। मेरी कमीज से तुम्हारी कमीज भगवा कैसे है? मैं जल्द ही एक बैठक करूंगा, मैं इनका मुखौटा उतारूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कहां जा रहा है कि हमने हिंदुत्व की अनदेखी की है। हिंदुत्व धोती क्या है? हमारा हिंदुत्व भगवान हनुमान के गदा की तरह गदाधारी है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो कॉल करें और घर आएं, लेकिन अगर आप दादागिरी का सहारा लेते हैं तो हम जानते हैं कि कैसे इसे तोड़ना है। ठाकरे ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को घंटाधारी से हिंदुत्व नहीं सीखना है। हम गधाधारी हिंदू हैं, घंटाधारी हिंदू नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का तरीका होता है, कुछ लोगों के पास काम नहीं है। यानी सीएम उद्धव ठाकरे राणा दंपत्ति के साथ साथ हनुमान चालीसा के नाम पर हंगामा करने वाले भक्तों को निकम्मा और कामचोर बता रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। वैसे भी नवनीत के एक के बाद एक कई झूठ सामने आ रहे हैं। खुद को सनातनी और हनुमान भक्त बताने वाली नवनीत की एक तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिसमें वो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर चादर चढ़ाने गए हुए थे। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद पत्रकार नवीन कुमार लिखते हैं कि मैडम को हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं रोकना था। कहा जा रहा है कि उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह में भी हनुमान चालीसा पढ़ती रही हैं, हनुमान जी पर चादर भी चढ़ाती रही हैं। बजरंग बली को हरी चादर बहुत पसंद है। ऐसे ही भक्ति भाव बना रहे तो भाईचारा बना रहता है। वहीं शिवसेना ने नवनीत राणा का हिसाब किताब करना भी शुरू कर दिया है और अब नवनीत राणा का ताल्लुक दाऊद से जोड़ दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने नवनीत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि नवनीत राणा का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लकड़ावाला की मौत के बाद उसकी गैर कानूनी कमाई के कुछ हिस्सा नवनीत राणा के अकाउंट में है। संजय राउत ने ट्वीट करके लिखा कि लकड़ावाला को ईडी ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था। लॉकअप में ही उसकी डेथ हो गई। यूसुफ के गैर कानूनी कमाई का हिस्सा भी नवनीत राणा के अकाउंट में है, तो ईडी कब पिलाएगी राणा को चाय? क्यों बचाया जा रहा है इस डी गैंग को? बीजेपी चुप क्यों है? वहीं अब बीजेपी कहे भी तो क्या, तो रुपका इक्का बीजेपी पर ही भारी पड़ रहा है। फिलहाल नवनीत बेगम का नशा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसी बला से, अल्लाह बचाए ऐसी अदा से। बहरहाल चलते चलते आरजू लखनवी ने भी क्या खूब फरमाया है, निगाहें इस कदर कातिल की उफ उफ, निगाहें इस कदर कातिल की उफ उफ, अदाएं इस कदर प्यारी की तौबा तौबा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी
किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।